को बताया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, हम प्रशासन के आदेश का निर्देशों का पालन करें, बहुत ही आवश्यक हो तो ही अपन घर से बाहर निकले। जिनकी कंडीशन कैसी है अभी? कोरोना पूरे जीवन काल में अगर कोई एक शब्द ऐसा सुना गया है मेरे जीवन काल में इन पर्टिकुलर जिसने सबसे ज्यादा भयभीत किया है वो है कोरोना। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज देश की जनता कर्फ्यू लगाकर कोरोना को टक्कर दे रही है। हिंदुस्तान आज घर में बंद है। हम लोग सुबह से अलर्ट थे उसको लेकर कि क्या सीन है क्या है। हम अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े थे उस दिन की पहले दिन ही। निकलने के बाद सबसे पहला जो घटनाक्रम हमारे पास जो कॉल आया वो आया था कि लोग पलायन कर रहे हैं और बस स्टैंड पे एकदम से भीड़ पहुंच गई है काफ़ी सारी। रोडवेज बस स्टैंड पे काफ़ी सारी पब्लिक बाहर से रातों रात आ गई और इकट्ठी थी। तो वहाँ सबसे जो खौफनाक चेहरा वहाँ एकदम मेरे दिमाग में एकदम मैं आया कि जब सब लोगों को हटा रहे थे एक कोने में दो छोटे छोटे मासूम बच्चे बहुत ही मतलब 7 या 8 साल उनकी उम्र रही होगी और दो बड़े बड़े बैग एक बड़ा सूटकेस और एक बैग उनके पास था और वो सहमे हुए बैठे हुए थे। ना वो रो रहे थे ना कुछ से कुछ बोल पा रहे थे। जब वहाँ हटाने वाले कुछ पुलिस वाले उनके पहुँचे कि हटा तो एकदम सुबकने लगे। तो हम लोगों ने बड़ी उनसे पूछा वाकई में कि क्या बात हुई, ऐसी क्या बात है, आप लोग क्यों अकेले यहाँ बैठे हुए, इतना कहाँ है तुम्हारे मदर फादर वगैरह। तो उन्होंने बताया कि वो रात भर से ऐसे ही वहाँ पर पूरे बस स्टैंड में बैठे हुए थे, छोटे से बच्चे ना हिले ना डुले और रात भर से बैठे हुए थे और सहमे हुए। उनसे पूछा किसके साथ आए तो बोले हम अपनी मदर के साथ आए थे और हमारी माँ यहाँ पर आई और हमारे साथ लेकर और हमको बोल गई यहीं बैठना भी आते हैं। वो अपने किसी बॉयफ्रेंड या किसी अंकल को जिनको वो बोल रहे थे उनके साथ वो वहाँ से चली गई और बच्चों को वहाँ भगवान भरोसे छोड़कर चली गई। मतलब मेरे को बड़ा मैं सहम गया कि मानवता का ऐसा भी चेहरा है कि इतने लॉकडाउन में आज सब कुछ यहाँ कुछ नहीं है सब बंद है और माँ इनको रात भर छोड़ के चली गई और अब तक लौट कर ही नहीं आई है। अभी जनता कर्फ्यू के बारे में ये मैसेज दिया गया था कई लोगों ने कि शंख ध्वनि और म्यूजिक की जो ध्वनि इंस्ट्रूमेंट्स की निकलती है तो इससे कोरोना को एक साथ इतनी सारी वाइब्रेशन, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर 125 अरब लोग रहते हैं तो जहाँ साहब इस तरह की ध्वनियाँ निकलेंगी उससे उसमें वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा एक मैसेज पूरा पास सोशल मीडिया के थ्रू हर आम जनता गया था। तो उसी टाइम पे एट ए टाइम पे 5 बजे पूरे शहर से शंख की ध्वनियाँ चालू हो गई, घंटी जहाँ देखो वहाँ एक ही तरह की अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल ध्वनियाँ आ रही थी। पर लोग कोरोना को भूल गए थे उस समय के लिए, बस उसमें मस्त हो गए थे कि ये एक नया फेस्टिवल तैयार हो गया था, कोरोना फेस्टिवल ही कह सकते हैं आप उसको। कोई जी ऐसा सा सीन बन गया था कि मानिए मतलब जो कोई अगर चल रहा है और उसको व्हाट्सएप पर कहीं किसी ने मैसेज कर दिया ग्वालियर में एक पॉजिटिव तो आदमी ने अपनी गाड़ी वहीं से बैक करी और घर की ओर ले गया। ऐसा मंजर जीवन में देखना बहुत कठिन था। तो डर लगने लगा था घर के बाहर अगर किसी से टच भी हो जाते थे, 20 कदम घर के बाहर निकले अगर मान के चलो तो घर वाले घर में घुसने के लिए 10 बार रोक देते कि अंदर नहीं आओगे, आओगे तो कपड़े चेंज करना, ऊपर से लेके सैनिटाइजर पूरा, यहाँ तक कि घर के बाहर जो कंक्रीट जो इसी एरिया है उस पर भी मम्मी सैनिटाइजर करवा देती थी, घर में नहीं घुसने देती। मैंने अपने स्टेशन पर देखा कि लोगों को मास्क लगाए हुए, इससे पहले मैंने कभी शहर में ज़्यादातर लोगों को मास्क लगाए कभी देखे नहीं, तो मुझे फील होने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, बाहर से आने वाले लोग मास्क लगा रहे हैं और दिख रहा है। बाड़े पे भी हमको कुछ एक दो लोग यदि फैमिली दिखती थी तो हम उनको फोटो क्लिक करने की सोचते थे कि ये आम लोगों से हटके हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। तो वहाँ से हम शुरुआत हुई कि कोई ना कोई संक्रमण लोगों में आ रहा है और लोग अलर्ट हो रहे हैं, मतलब ये वहाँ से दिमाग में स्ट्राइक करना चालू हुआ। द ब्रेकिंग न्यूज इज अबाउट द कंफर्म कोरोना वायरस इन केरला। 1 पर्सन फाउंड हैविंग कोरोना वायरस, फर्स्ट कंफर्म केस कमिंग आउट राइट देयर। जनवरी से हम लोग न्यूज सुन रहे थे और हमें लगा था कि शायद हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, बट जब पहला केस निकला केरला में
तो अलर्टनेस तभी से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आम जनता को ये बारे इस बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं थी। वो लोग सोच रहे थे कि ये सारी चीज़ें विदेशों में ही हो रही हैं, इंडिया में नहीं आएगा। फिर ये थोड़ा सा अज्ञात चीज़ें रहीं, लोगों ने अपने अंदाज से इसको समझा और उसके बारे में व्याख्या की कि यहाँ के लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग है, पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा परेशानी में पहले ही है कि वो ऑलरेडी इम्यून है। लेकिन जैसे ही फिर इसके केसेस आते शुरू हुए, वैसे ही फिर इसका एक जो भय है बहुत ज़्यादा मात्रा में व्याप्त हुआ। पिछले समय जो चैलेंजेस थे, वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, डॉक्टर्स भी इससे अनभिज्ञ थे और बाकी स्टाफ भी इससे ज़्यादा परिचित नहीं था। परंतु एक चीज़ थी, भय इतना ज़्यादा था कि लोगों में और स्टाफ में प्रिकॉशन काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा था। 24 तारीख को दिन भर जैसे अदर सिटी की अदर एक्टिविटीज कवर करने के बाद, नॉर्मल एक्टिविटीज के बाद, हम लोग शाम को अपने ऑफिस के कॉमन रूम में ही बैठे हुए थे, वहाँ टीवी चल रहा था। लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी हो सकता है कुछ नया करें, पर लॉकडाउन की किसी को उम्मीद नहीं थी कि लॉकडाउन अनाउंस होगा। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पर जब जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो चौतरफा, क्योंकि हम लोग मार्केट में निकल पड़े, जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी थी। मार्केट में लोगों को सामान खरीदना था, ये खरीदना था, तो हम लोगों को भी टास्क तत्काल दिया गया। तो नो डाउट सबसे पहले हम लोग कैमरा उठा के फील्ड में भागते हैं, दाल बाजार और बाजारों में, बोले जो राशन की दुकानों में भीड़ चालू हो गई थी, लोग आटा कलेक्ट करने लगे थे, राशन कलेक्ट करने लगे थे, रात से चालू हो गया था ये सब करना। कर्फ्यू वगैरह हम लोग कवरेज अभी इससे जो नॉर्मल कर्फ्यू में, और इसमें अंतर यही था कि इसमें लोग राशन इकट्ठा कर रहे थे। मतलब उससे पहले कभी ये नहीं सोचा था, कभी कर्फ्यू लगते थे कि लोग राशन इकट्ठा करेंगे, लोगों को मालूम है छूट मिल जाएगी, जो हो जाएगी। इसमें तो ये लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है, लंबा क्या होने वाला है, तो हर चीज़ अपन स्टोर करके रख लो अपने यहाँ पर। वो चीज़ हुआ, उसका बाजार वालों ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया, माल ख़त्म भी हो गया था लोगों के पास। सुबह जैसे 6 या 7 बजे के टाइम की बात होगी, मेरे पास फ़ोन आया कि मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, लक्ष्मण सब्जी मंडी में। वहाँ देखा तो इतनी बिकट भीड़ थी कि पूरे रास्ते जाम लगा था। मेरे को आधा घंटे कम से कम मंडी में अंदर पहुँचने में लग गया, और लग ही नहीं रहा था लॉकडाउन जैसा कोई है। कारण ये था कि भीड़ पूरी तरह से सब्जी लेने की, क्योंकि लॉकडाउन शाम को अनाउंस हुआ था, और सब्जी मार्केट तो रात को होता है, थोक मंडी सुबह खुलता है, तो सुबह सारे लोग सब्जी इकट्ठी करने के लिए वहाँ भीड़ लग चुकी थी। हजारों की तादाद में आदमी वहाँ मंडी में, जहाँ देखो वहाँ आदमी दिखाई दे रहा था। मास्क के लिए बोलना चालू किया, इससे पहले लोग मास्क को लेके अवेयर नहीं थे। तब जब पुलिस को भी इसके लिए, मतलब इससे पहले कोई पुलिस ने ऐसा कर ही नहीं था कि मास्क को लेके किसी को रोका टोकी करनी है। अच्छा, कोरोना का डर ऐसा भी था, दिखता तो था नहीं किसको हुआ है किसको नहीं, तो प्रशासन कई बार उनको डंडों से या फिर किसी दूर से डिस्टेंस करके कि आप यहाँ जाओ, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो प्रशासन की बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनको भूख से पागल हैं, परेशान चल रहे हैं, उनको अपना घर कैसे भी कर घर पहुँचना था। और ये पहली ऐसी लॉ एंड ऑर्डर था कि इसमें आप टच नहीं कर सकते थे। हम उन अपन देखते हैं कि पुलिस मार सकती है, तो इसमें पुलिस भी भयभीत हो रही थी, किसी को टच करना है, चांटा मारना है कि नहीं मारना है। अभी मैंने किसी को चांटा मारा, वो कोविड पेशेंट हुआ, तो अपन क्या कर लेंगे। तो पुलिस डिस्टेंस ही तो डिस्टेंस भी मेंटेन करनी थी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। आम कर्फ्यू और इस कर्फ्यू में यही अंतर था। आम कर्फ्यू में पुलिस घुस जाती है, भीड़ भी घुस जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मारापीट आगे सामने से होती है। इसमें तो लोग एक दूसरे से भागने वाली स्थिति थी ना, कोई किसी को टच ही नहीं कर सकता। एक कदम पुलिस पीछे भागती थी, एक कदम पब्लिक पीछे भागती थी। पहले फेज में जब लॉकडाउन लगा, या पहले फेज में जब ये गतिविधि इसकी बढ़ी संक्रमण की, तो इकोनॉमी को सेकेंडरी उसमें रखा गया कि उद्योग है या बिजनेस है या कॉमर्स है, ये बैक सीट ले लेगा। पहले ज़रूरत है कि हम बचाव करें, पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम जीवन बचाएं, संक्रमण को रोकें। ऐसे दूसरा था कि आटे की बड़ा संकट हो गया था, आटे का लोगों ने स्टोर कर लिया था, और आटा दाल बाजार में भी नहीं बचा था, कहीं भी नहीं बचा था। तो आटा आए कैसे, क्योंकि फ्लोर मिल बंद थी, लॉकडाउन टोटल चल लग चुका था। फिर अपने जिला प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने मीटिंग की व्यापारियों के साथ, और फ्लोर मिल खोलने का सबसे पहले आदेश आया। ग्वालियर शहर में लॉकडाउन सबसे पहले खुला तो फ्लोर मिल के नाम पे खुला था, क्योंकि आटे की बहुत ज़रूरत थी बेसिक। तो फ्लोर मिल चालू कराई गई, वहाँ से आटा पिसवाया, उनको आटा गेहूँ दिलवाया गया, सब राशन के रेट पे, जो भी जैसे भी कैसे भी कि मार्केट में आटा उपलब्ध हो इससे, क्योंकि बेसिक नीड तो आटा और दूध ही था आदमी का सबसे पहले। इसकी
कंटिन्यूटी खत्म ना हो, उसके लिए प्रशासन ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए और वो हुआ भी। हमारा प्रशासन उस समय काफ़ी तैयार था, मुस्तैद था। 17 मार्च को ही जो स्मार्ट सिटी का कमांड कंट्रोल सेंटर है उसे कंट्रोल सेंटर बना दिया गया था कोविड कॉम्बैट के लिए, और 25 मार्च तक तो कुछ एक सुविधाएं थी हेल्पलाइन नंबर की, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग वगैरह की, जो शुरू की जा चुकी थी, जिससे शहरवासियों को थोड़ी राहत भी महसूस हो रही थी। जब कोविड आया था तो मैं एसडीएम डबरा थी, तो एसडीएम के लेवल पे जनरली इंसिडेंट कमांडर्स एसडीएम लेवल के रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। उस समय जो मेरा काम था वो जो मैं सेंट्रलाइज कमांड से इंसिडेंट कमांडर को पूरा कंट्रोल कर रही हूँ वो काम करते थे। तो व्हेन आई वाज इंसिडेंट कमांडर आई वाज अवेयर ऑफ द वेरियस चैलेंजेस दैट वी फेस, यू नो, जैसे छोटी सी बात है, आपको शाम को आपके केसेस मिल रहे हैं उनको शिफ्ट कराना है, एम्बुलेंस का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, केसेस में वॉट डॉक्टर के साथ में डायग्नोस कैसे करना है, उनको मेडिसिन अगर फार अपार्ट केसेस हैं उनको मेडिसिन कैसे पहुंचानी है, उनको फॉलो अप कैसे करना है, उनको जो शिफ्ट करना है फॉर एग्जांपल इफ सिचुएशंस कम टू शिफ्ट वो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो दैट वेज आई हैड फेस्ड द एंटायर आई वाज आई थिंक मिडवे फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, तो आई हैड सीन दिस फ्रॉम बोथ साइड, मतलब बोथ साइड ऑफ कॉइन वर विजिबल टू मी, कि आप फील्ड में रह के कैसे काम कर रहे हो और आप जब एक सेंट्रलाइज्ड लेवल पे हो आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो कैसे करो, तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू मी। कोविड काल में सबसे ज़्यादा जो देखने आया कि ग्वालियर में सबसे पहला केस चेतकपुरी का अभिषेक मिश्रा का निकला था, वो पहला केस था, तो एकदम से ऐसी शहर में खबर फैली कि चेतकपुरी से कोई केस निकला है। 21 मार्च को मैंने अपना टेस्ट कराया था, 24 मार्च को मैं पॉजिटिव आया था। तमाम तरीके की अटकलें लोग लगाने लगे कि पता नहीं कहाँ कहाँ आया होगा, कहाँ कहाँ किसके साथ घूमा होगा, कौन सी दुकान पर वो गया होगा, जहाँ वो काम करता था तो वो उस कार्य क्षेत्र में कितने लोगों को संक्रमित किया होगा, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई थी उस समय। ट्रैवल हिस्ट्री के बेस पे ही सब लोग को चेक पॉइंट करा जा रहा था, कि रेलवे स्टेशंस और बस स्टैंड्स पे ही सब कुछ थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी कि बाहर से लोग ना आए, क्योंकि सस्पेक्टेड ये था कि हमारे यहाँ तो है नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं वही लोग लेके आ रहे हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, मैं कंपनी के काम से, प्राइवेट कंपनी में मैं काम करता हूँ, मैं छतरपुर ज़िले में गया था, खजुराहो तक की विजिट थी हमारी, वहाँ एक होटल में स्टे किया था मैंने, और वहाँ पे ही कोई सस्पेक्टेड रुका था, जिसकी वजह से आई थिंक होली के नेक्स्ट डे मेरी विजिट थी, तो होटल में स्टाफ वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने बेडशीट वगैरह नहीं चेंज की थी, वो एक लापरवाही थी उनकी, और मैंने वही ब्लैंकेट वगैरह साफ़ सुथरा दे करके मैंने उसको ओढ़ लिया था। तो वहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई थी, जब मुझे ये फील हुआ कि मुझे सर दर्द हो रहा है या मेरे गले में कंजेशन है, तो मैंने उसी सेम टाइम से मैंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया था, जिससे मेरे को स्मूथनेस आई थी। जिस समय मेरी रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, तो पूरे ग्वालियर शहर से लेकर जहाँ जहाँ मैं गया था वहाँ एक हंगामा समझ गया था कि मैंने मेरा रोल एक विलेन का हो गया था, या पता नहीं ह्यूमन बॉम्ब के रूप में आ गया था कि क्या आ गया था। तो हम लोग भी कवर करने गए, जब तो प्रशासन ने पूरा चेतकपुरी के साथ 3 किलोमीटर के रेडियस में पूरे एरिया को ब्लॉक कर रखा था। और जब कंटेनमेंट जोन बना, तो उस समय का कंटेनमेंट जोन और आज के कंटेनमेंट जोन में बहुत फर्क है। उस समय कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइंस थी वो कुछ ऐसी थी कि 3 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन होगा, 2 किलोमीटर का बफर जोन होगा, तो यकीन मानिए 5 किलोमीटर का रेडियस जो था उसको आप एक कंटेनमेंट जोन एक पॉजिटिव केस पर मान सकते हैं। तो 5 किलोमीटर रेडियस जो लोग ग्वालियर को जानते हैं वो बखूबी समझ सकते हैं कि 5 किलोमीटर का अगर हम रेडियस लेते हैं तो कितना बड़ा शहरी क्षेत्र उसमें कवर होगा। चेतकपुरी पर भी बैरिकेड लगा दिए गए थे, चेतकपुरी की बगल वाली कॉलोनी माधोनगर और बसंत बिहार तीनों रास्ते बंद कर दिए थे। चेतकपुरी में अंदर यह हालत था कि सिंगल आदमी घरों से बाहर नहीं झांक रहा था, निकला बड़ा ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है। मतलब हमने कर्फ्यू देखना अलग बात है, पर वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि हर आदमी सहमा हुआ था कि कुछ के साथ कुछ ना हो जाए, हम लोग तो इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे। पहला पेशेंट होना, आज तो कोई भी हो जाता इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन उस समय वो पहला पेशेंट होना उसके जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती रही होगी। तो उसको ये लगा हो कि मैं बहुत अकेला हो गया, और ये बीमारी भी ऐसी है कि लोग आपसे बात तक नहीं करना पसंद करते, आपके पास तो आते ही नहीं है, लेकिन बात भी कोशिश करते हैं कि ना हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन मेरे साथ जो स्थिति थी वो बहुत भयावह थी, क्योंकि कुछ भी तैयार नहीं था और कैसा भी नहीं था, केवल पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और दरवाजे पे जो है प्रोटेक्शन के अलावा, अब आप समझ सकते हैं कि 4 दिन आप कैसे बिता सकते हैं। अवस्थाओं में बहुत सारी चीज़ें, भोजन, पानी, मूलभूत आवश्यकताएं, दैनिक क्रिया, बहुत सारी असुविधाएं थी वहां पर। लेकिन उस समय हमारे भला हो ग्वालियर के DM साहब का, जिन्होंने अपने पर्सनली जो है
किसी भी तरीके से जब उनके संज्ञान में बात आई तो उन्होंने रात में वो चीज़ अवेलेबल कराई। बहुत सारी चीज़ें प्रोटोकॉल उस समय हुई थी जो एक दिमाग में गलत संदेश दे रही थी कि यहाँ मैं आकर के और बीमार हो जाऊँगा। लेकिन ठीक है, समय के साथ रहते रहते सब सही हो गया। सुपर स्पेशलिटी में जब शिफ्ट किया गया तो सब चीज़ें सही हो गई वहाँ पर। दूसरा केस जो आया वो टेकनपुर से सुनने में आया, जिनके घर से कोई यूके से शायद अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो लौटा था और वे भी पॉजिटिव पाए गए। तो फिर एक बार ग्वालियर कुछ एक चीज़ें सोचने पर मजबूर हुआ। फिर चार अगली जो केस थे वो चार पॉजिटिव एक साथ आए। तो इस तरीके से क्रम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और निरंतर कोरोना के केसेस में उस समय वृद्धि एक देखी गई। क्योंकि एक बहुत बड़ा सियासी संकट उस समय मध्य प्रदेश में निकल कर आया था। कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करना था और वो अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। बहुमत से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था और यहाँ पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ा कमलनाथ को और भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। ये पूरा सियासी ड्रामा यहाँ पर चला और इस बीच में जबकि यहाँ की जनता ने अपने आप को असहज माया कि जिनसे उन्हें उम्मीद है वो लोग यहाँ उपलब्ध नहीं थे, जिनको उन्होंने जिताया, जो जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ से गायब थे उस समय। बिल्कुल ग्वालियर शहर का उन्होंने एक महीने तक तो देखा ही नहीं था, मतलब यहाँ पर उपलब्धि नहीं थे। और सारा जो भी संभाली व्यवस्था, मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय प्रशासनिक लेवल पे हमारे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी वगैरह ने, चूँकि उन्होंने भी उसी समय ज्वाइन किया था हाल ही में, पर बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली जबकि जनप्रतिनिधि ऐसे समय में जनता के बीच से गायब थे। अगर इनका अवलोकन किया जाए तो टोटल 6 पॉजिटिव केस पाए गए थे, परंतु अभी आज की स्थिति में सभी केस निगेटिव हो गए हैं, कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है। अभी लॉकडाउन जारी रहेगा।